अगर आप एक इंडियन सिटीजन है, ये तो आपको पता होगा कि आधार कार्ड सबके लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। हमारी डिपेंडेंसी होती है आधार कार्ड पर, क्योंकि एक आइडेंटिटी कार्ड के तौर पे माना जाता है। इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपने आधार कार्ड को टाइम टू टाइम अपडेट कराते रहें, क्योंकि कई बार ऐसे काम करने पड़ जाते हैं जहाँ पर हमें आधार कार्ड की ज़रूरत होती है, लेकिन हमारा आधार कार्ड अपडेट नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम फंस जाते हैं, रुक जाते हैं। और सरकार भी टाइम टू टाइम लोगों को ये एडवाइस करती है कि अपने आधार कार्ड को आप अपडेट कराते रहें। और इसी के साथ आधार कार्ड को अपडेट कराने के लिए सरकार की तरफ से फ्री ऑनलाइन सर्विस भी दी जाती है, जिसमें आप घर बैठे ही अपने आधार कार्ड को अपडेट कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आधार कार्ड को अपडेट करने के भी कुछ नियम होते हैं? जैसे मान लीजिए, अगर आप अपने आधार कार्ड में एक बार अपना नाम बदलवा लेते हैं, जिसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, आपने गलती से नाम गलत लिख दिया है, और अगर आप दूसरी बार उसको ठीक कराने जाते हैं, तो आप अपने आधार कार्ड में नाम चेंज करा सकते हैं। लेकिन ये काम आप पूरे लाइफ टाइम में सिर्फ दो बार कर सकते हैं। सो UIDAI की तरफ से ये नियम पहले से लागू किया जा चुका है कि आप अपने आधार कार्ड में लाइफ टाइम में सिर्फ अपने नाम को दो बार अपडेट करा सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने आधार कार्ड में एड्रेस चेंज कराना चाहते हैं, तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। आप मल्टीपल टाइम्स या कभी भी अपने एड्रेस को अपडेट करा सकते हैं। सो मैं आपको इस बीच एक अपडेट ये देती हूँ कि अभी UIDAI अक्टूबर 2024 तक फ्री ऑनलाइन सर्विस दे रहे हैं, जिसमें आप अपने आधार को अपडेट करा सकते हैं। उसमें भले आपको आधार में नाम चेंज कराना है, डेट ऑफ बर्थ चेंज करानी है, मोबाइल नंबर चेंज करना है, एड्रेस चेंज कराना है, तो ये सब काम ना आप अक्टूबर के महीने में ही कर लें, क्योंकि एक डेडलाइन सेट की गई है। तब तक आपको फ्री सर्विस दी जा रही है, कोई एडिशनल चार्ज नहीं देना है। लेकिन मेक श्योर करें कि अगर आप पहले अपने आधार में अपना नाम चेंज करा चुके हैं, तो उसके बाद आपको सिर्फ एक और मौका ही दिया जाएगा। मतलब ये काम आप दो से ज़्यादा बार नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है बहुत से लोग शायद इस बात को लेकर अवेयर नहीं होते हैं, तो ज़रूरी है ये पता होना कि आप अपने आधार में कितनी बार चेंजेस करा सकते हैं। क्योंकि एक बार अगर आपका आधार कार्ड इनवैलिड होता है, ब्लॉक हो जाता है, या फिर नाम अपडेट नहीं होता है, तो उसको फिर आप लाइफ टाइम में चेंज नहीं करा पाएंगे और उसका यूज़ भी ठीक तरीके से नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे मैंने बताया कि अगर आप एड्रेस बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज करते हैं, आपको एड्रेस चेंज कराना है, तो ये काम बहुत बार किया जा सकता है, मतलब मल्टीपल टाइम्स किया जा सकता है। तो अगर आप भी अपना आधार कार्ड अपडेट करना चाहते हैं, तो मैं आपको सिंपल स्टेप्स बता देती हूँ। ये काम घर बैठे किया जा सकता है। आप सिंपली UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पे आपको माय आधार ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है, अपने क्रेडेंशियल्स लॉगिन जो हैं वो आपको कर लेना है। OTP रिसीव होने के बाद एक वेब पेज ओपन होगा, वहाँ आपको अपने आधार कार्ड को वेरीफाई करने के, अपडेट करने के, आधार कार्ड अपडेट स्टेटस चेक करने के मल्टीपल ऑप्शंस दिखेंगे। सो बस वहाँ से जाके आपको सारे जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे वो सबमिट कर देने हैं, और उसके बाद आप अपने आधार कार्ड को सिंपली घर बैठे अपडेट कर सकते हैं। सो जितने भी आपके आसपास के लोग हैं जिन्होंने अभी तक अपना आधार अपडेट नहीं कराया है, उनको अवेयर करने के लिए वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करें, इसे लाइक भी करें, और ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।